हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दी पोकेमोन एरो वर्जन। यहाँ पर दोस्तों पिछली बार हमने कलकत्ता दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लोर किया था एंड गाइस यार हम आ चुके हैं सिंकाली टेंपल में। सो गाइस यार आज हम दोस्तों जाने वाले हैं सिंकाली टेंपल को एक्सप्लोर करने के लिए। सो बिफोर दैट गाइस यार आपको अपने टीम जो है वो पता ही होगी, कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी यहाँ पर एडिशन नहीं है, कुछ भी यहाँ पर सबट्रैक्शन नहीं है। सो गाइस यार आज हम जाने वाले हैं दोस्तों सीधा सिंकाली टेंपल के लिए टू फाइंड द लेजेंडरीज। सो लेट्स गो गाइस यार। ओके तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर पोकेमोन भी देख लेते हैं सेफ्टी रीजन के लिए। तो ओके यहाँ पर एक आर्कनाइन है। नो आई डोंट वांट टू कैच एनी आर्कनाइन। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी सीधा मैं चले जाता हूँ ऊपर की तरफ। ओके यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कुछ भी यहाँ पर चीज़ें हैं। ओके तो यहाँ पर मुझे लगता ही नहीं है कुछ है ही नहीं। बस यार थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं गाइस यार। एंड गाइस यार कुछ मैं कल तो ओके यहाँ पर एक स्फीयरो है। ओके तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हम सीधा चले जाते हैं दोस्तों अपने आगे की तरफ। ओके तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है जाहिर शायद। तो मुझे लगता है कि सीधा हमें यहाँ से एंट्रेंस के लिए चले जाना चाहिए ताकि हमें कुछ आगे चलकर पता चले। तो चलो दोस्तों यार यहाँ पर सीधा मैं एंट्रेंस के लिए चले जाता हूँ। यहाँ पर टेक्सचर दोस्तों अच्छे किए हैं यहाँ पर पेड़ पौधों के। ऐसा लग रहा है कि रियल में ही है ये लोग तो पूरे पूरे यहाँ पर रियल में ही लग रहे हैं दोस्तों पेड़ पौधे। तो चलो यहाँ पर अभी हम सीधा ओके यहाँ पर एक और पोकेमोन आ गया। ओके ईवी मुझे पकड़नी नहीं है, सॉरी यहाँ पर मुझे ईवी मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हम चलते हैं। एंड गाइस यार नोट ओके यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको नोट ये करना चाहता था। तो गाइस यार मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पर अपनी इस वीक में दोस्तों मेरी वीडियोस कम आ सकती है आई नहीं है अब तक। ओके तो यहाँ पर यू आई हैव चेक दैट अदर टेंपल नाउ इट्स टाइम फॉर दिस वन आई डिडंट फाउंड एनीथिंग अननेचुरल इन द फर्स्ट टेंपल लेट्स इंस्पेक्ट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द टेंपल नाउ। ओके तो चलो हम भी चले जाते हैं। हाँ इसमें जैसे ऑट द ग्लास बॉक्स टू बी हियर इट इज सस्पिशियस ड्रो लुक हियर अ स्टेयरकेस मे बी मिस्टर मी तो गॉट इट करेक्ट दिस प्लेस इज द लास्ट होली साइट दिस प्लेस वाज गिविंग सम मी सम स्ट्रेंज वाइब्स फ्रॉम द स्टार्ट एंटर लेट्स मूव ऑन थ्रू लेट्स एक्सप्लोर मोर आई थिंक वी विल बी गेटिंग मोर सम क्लूज। तो गाइस यार उसके पहले मैं आपको रीजन बताने से पहले ना, क्योंकि कल वाली वीडियो जो है अपनी वो डीमोनेटाइज हो गई थी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग गया था दोस्तों यहाँ पर। ट्रू आई थिंक एलेम वाज करेक्ट दैट मिस्टर मी तो दैट वर प्रोटेक्टेड द साइट राइट जस्ट सी हाउ इनोरमस इज अंडरग्राउंड एरिया इट रियली हाइड्स समथिंग लेट्स मूव ऑन टू गेट टू द डीपेस्ट प्लेस एंड सी इफ वी कैन फाइंड समथिंग और नॉट। ओके तो हम भी चलते हैं। तो गाइस यार मैं आपको बता रहा था कि मुझे ना दोस्तों यहाँ पर कल कॉपीराइट क्लेम हुआ अपनी वीडियो में। तो गाइस यार पता नहीं वो कॉपीराइट क्लेम क्यों हुआ, शायद मतलब कि मैंने चेक किया ना तभी यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर शायद जो भजन बज रहा था ना दोस्तों लास्ट में मेरी वॉइस बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने लास्ट में दोस्तों वीडियो छोड़ दी थी क्योंकि मेरी खांसी के चलते अभी भी है, बट अभी मैं आई एम कंप्लीट मतलब कि बोल सकते हैं 50% मैं रिकवरी स्टेज पर हूँ। तो यहाँ पर कि गाइस यार मतलब कि पता नहीं वो कॉपीराइट क्लेम क्यों आया। मैंने मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर डेवलपर मुझे यहाँ पर वीडियो देख रहे हो सो प्लीज़ यार बता दीजिए अगर कॉपीराइट क्लेम लग रहा है तो मैं यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी बंद कर दूंगा। मतलब कि यार वो ऑडियो पहले भी आया था बट उसमें कभी यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम लगा नहीं, बट वो मैंने मेरी आवाज़ के बिना यहाँ पर जो ऑडियो डाला ना तो वहाँ पर जो है वो कॉपीराइट क्लेम आ गया। पता नहीं यार ये कैसे हो गया बताया, बट हाँ ऐसा नहीं हुआ कि वीडियो मेरी चली गई, मुझे वो मेरे ऑडियो जो है वो हटा दिया। सो कोई भी टेंशन लेने की बात हुई नहीं आगे से। तो गाइस यार यहाँ पर हम पजल जो सॉल्व कर लेता हूँ, मैं ऑफ स्क्रीन ही दोस्तों सॉल्व कर दूंगा। मतलब कि मैं सॉल्व करने वाला था दोस्तों ये पजल, मैंने सॉल्व भी कर दिया था। मैं फिर से आपको बताना चाहता था ये पजल मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बट यहाँ पर उसी दौरान जो है मतलब कि गाइस यार वो पजल सॉल्व करने के बीच ना दोस्तों यहाँ पर आप एक बार वो दोस्तों ये बताओ आप ये कर दिया ना, अगर आपने ये दोस्तों पजल सॉल्व कर दिया ना तो आप फिर से दोस्तों ये पजल को रिसॉल्व नहीं कर सकते। यस एक बार पजल सॉल्व हो गया तो सॉल्व हो गया। तो गाइस यार यही कहना चाहता था। तो अभी मैं कहता हूँ दोस्तों अपने अभी क्या कहूँ गाइस यार अभी मैं कहता हूँ अपने नेक्स्ट मतलब कि ये वीक के बारे में। तो गाइस यार ये वीक जो है वो हमारे लिए मतलब कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यार यहाँ पर मुझे मैनेज करना है अपनी स्टडी को क्योंकि गाइस यार मेरे अभी 12th के एग्जाम चल रहे हैं। अभी जस्ट मैंने यहाँ पर आपको कल मतलब कि 13 जुलाई को दोस्तों यहाँ पर मेरा 3 पेपर हुए थे। हर दिन दोस्तों 3 पेपर्स हो रहे हैं। तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा टेंशन मतलब कि टेंशन लेने की बात नहीं है, बस वीडियो में दोस्तों शायद नहीं आएगी या डिले होगी वो मुझे अब तक रीज़न पता नहीं है। आज तो हो गया क्योंकि आज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस पेपर था नहीं, बट कल से जो है वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस पेपर मतलब कि आज तो 3 ही थे बट कल के जो 3 होंगे वो ज़्यादा बड़े बड़े होने वाले हैं।
पीजी तो मतलब कि कह सकता हूँ कि होंगे ही, बट यहाँ पर अब मैं अपने फोकस भी करना चाहता हूँ अपने स्टडी के ऊपर, तो गाइज यार शायद वीडियो जो है वो नहीं आ पाएगी मुझे लग। ओके तो तवांग इज द टीपेस्ट पॉइंट ऑफ द केवन, दिस प्लेस इज रियली सस्पिशियस, जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर मोर। तो गाइज यार मैं कह रहा था कि वीडियो नहीं आ सकती, तो इसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया, अगर नहीं आई ना तो आप समझ रहे हैं मेरे पेपर की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। अभी मैं दोस्तों ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गाइज यार यहाँ पर दोस्तों एग्जाम के चलते मैं ज़्यादा ये शूट भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तो मैं यहाँ पर बस दो ही वीडियो दिन में शूट कर पा रहा हूँ, तो गाइज यार माफ़ कर देना, शायद ये वीक हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट लेकिन अगले वीक से जो है मैं फिर से रेगुलर आ जाऊँगा। एंड गाइज यार जैसे ही ये गेम खत्म होगा ना, अपनी वैसी एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मतलब कि सब काम सेट है, बस मुझे शूटिंग करनी है। व्हाट आर दिस थ्रू कम हियर। ओके तो गाइज यार यहाँ पर स्टोरी पर फोकस करते हैं। आई कांट बिलीव वी फाउंड देम, बट टू बी फुल्ली कंफर्म लेट्स सी व्हाट माय पोकेडेक्स इज सेइंग। हां आई वाज करेक्ट, दे आर इनडीड द लेजेंडरीज दहाबान एंड एरोटीर, दे आर आल्सो काम एंड क्वाइट, आई नो व्हाट दे आर फेसिंग, प्लीज बी नाइस टू लेजेंडरीज, कम आउट ऑफ दिस केव, द रीजन नीड्स यू, आई नो यू ऑल आर स्केयर्ड ऑफ द टीम वॉर, बट वी प्रॉमिस दैट वी विल प्रोटेक्ट यू टू, इफ यू स्टे अवे लाइक दिस दिस विल बी द एंडलेस वॉर, प्लीज कम आउट अस हेल्प अस। हे विल श्योरली गो आउटसाइड, बट आफ्टर बिकमिंग द कैप्टिवेटेड बाय अस, क्लियर द वे गेट, वी विल टेक दिस टू क्रिएचर्स एंड वी विल मेक अ पावरफुल वेपन विच विल रन द किंगडम एंड ही विल हेल्प अस मेक पोकेमोन एंड द पोकेमोन लवर्स आर स्लेव्स, क्लियर द वे। नो वे मिस्टर पीटर, यू वोंट बी एबल टू डू दैट, वी कांट वोंट अलाउ यू। रियली यू हैव नो आइडिया व्हाट अबाउट आवर पावर्स, हाउ डू यू नो व्हाट हैपेंड 20 इयर्स अगो, आई गेस नो, लिसन देन माई एल्डर ब्रदर वॉज ऑल्सो कैप्टिवेट दोज टू क्रिएचर्स एंड आई हैड क्रिएटेड द वेपन, बट सडनली सम वियर्ड लुकिंग थिंग केम फ्रॉम द स्काई एंड डिस्ट्रॉय द डिवाइस एंड मेड दिस टू फ्री एंड देयर एस्केप, आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन द थिंग दैट वी कॉट देम एंड यू कैन श्योरली गेस हाउ स्ट्रॉन्ग माई ब्रदर्स पोकेमॉन्स वर एंड फॉर दिस स्पेशल मिशन आई हैव बोरोड ऑल द स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स, द पोकेमॉन्स दैट डिफीटेड द लेजेंडरीज कैन श्योरली डिफीट योर गेट्स, माई ब्रदर इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड बट हिज ड्रीम्स आर स्टिल देयर, आई विल फुलफिल हिज ड्रीम एंड मेक टीम वॉर विक्टोरियस। सो टीम वॉर वॉज द वन हू फोर्स द लेजेंडरीज टू डिसअपीयर, वी हेट यू। यू हेट डजंट मैटर एट ऑल, गेट रेडी फॉर अ बैटल किड्स, इफ यू लूज यू विल हैव टू सरेंडर टू अस एंड हेल्प अस कैपिटुएट देम। श्योर एंड वी विल विन, लेट्स बैटल कम वन बाय वन, एनी ऑफ यू डिफीट देम विद मी आई विल श्योरली गेट अवे, फर्स्ट आई वांट टू बैटल यू गर्ल। नो यू डिफीटेड मी, यू विल हैव टू डू समथिंग गाइस, प्लीज डू समथिंग। हा आई न्यू नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट माय ब्रदर्स सुपर स्ट्रांग पोकेमॉन, सो हुज नेक्स्ट, व्हाट अबाउट यू, हु डिफीटेड लास्ट टाइम। सो इस ये तो हमारी बात कर रहा है, तो गाइस यार हियर वी गो, थ्रू द गेम वर्सेस द टीम वॉर बॉस पेटे, सो फाइट फॉर द लेजेंडरी रेस्क्यू। तो गाइस यार यहाँ पर हमारा बैटल हो रहा है लेजेंडरी के रेस्क्यूज के लिए, तो गाइस यार शुरू करते हैं यहाँ पर बैटल को। तो आपको मैं बता ही चला होगा कि यहाँ पर अपना ये वीक अगर दोस्तों परफेक्ट गया ना, सो आई विल बी वेरी थैंकफुल। तो गाइस यार अगर ये वीक दोस्तों वीडियो आई ना, तो आपको जरूर लाइक करना है दोस्तों, हर वीडियो को आप लाइक करके चले ही नहीं जाते यार, मतलब कि यार हर वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। एंड गाइस यार ये वीक में कह ही रहा था कि अपनी एक नई सीरीज, मतलब कि गेम प्ले सीरीज नहीं ट्यूटोरियल सीरीज मैं फिर से स्टार्ट करने वाला था, बट शायद वो होगी या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा गाइस यार, देखते हैं, अगर हो सके तो मैं कर दूंगा, अब पक्का कर दूंगा। यहाँ पर कोई भी दोस्तों यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो गेम प्ले की सीरीज है, मतलब कि यहाँ पर डाउनलोडिंग ट्यूटोरियल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं कि कैसे गेम को डाउनलोड करें, तो मैं ज़रूर बताऊँगा गाइस यार, बस मेरा ये वीक अगर ये ठीक ठाक गया ना, तो ही मैं बता पाऊँगा यार, मतलब कि कह नहीं सकते अब तक क्या होगा या क्या नहीं। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी दो पोकेमॉन तो हमने डाउन कर दिया है, नेक्स्ट है स्कल्टल, तो एक है घोस्ट टाइप पोकेमॉन, तो इसे भी हम हरा ही लेते हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस यार। यहाँ पर आपको तो अभी पता ही चल चुका होगा, अगर ये वीक हमारा अच्छा से गया तो आपको हर वीडियो जो है वो लाइक कर देनी है। और गाइस यार अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, 90% लोग जो है वो अब तक अनसब्सक्राइब है, तो क्या कर रहे हो यार 90% लोग, बस 10% ही लोग हमारी वीडियोस देखते हैं जो सब्सक्राइब कर रखा है, एंड 90% जो लोग हैं वो तो अनसब्सक्राइब है, तो प्लीज़ यार जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों सब्सक्राइब कर दे चैनल को जी।
ओके तो चांस ही है लास्ट पोकेमोन, तो अपने यहाँ पर भीम की शक्ति को लेकर आ जाता है इसको डाउन करने के लिए। एंड गाइजर यहाँ पर मैं अपने पोकेमोन को जैसे रीनेम क्यों नहीं कर रहा हूँ इस गेम में, क्योंकि गाइजर जैसे वो इवॉल्व हो जाएंगे ना, मतलब कि यार अभी तो इवोल्यूशन के स्टेज पे तो नहीं है, सब तो इवॉल्व हो चुके हैं एक्सेप्ट भीम भोलू एंड यहाँ पर कोई एक और बचा तो है। सो दैट्स इट गाइज यार, वी हैव डिफीटेड द बॉस फाइट। एंड गाइज यार यहाँ पर मैं कह ही रहा था कि भोलू बचा है, एंड गाइज यार भोलू आज इवॉल्व हो रहे है। गाइज यार यहाँ पर अच्छी बात हो गई है हमारे लिए कि भोलू यहाँ पर इवॉल्व हो चुका है रैपिडैश में। सो गाइज यार यहाँ पर अपना भोलू जो है काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पर इवॉल्व हो गया है, क्योंकि यार वो कब से पोनीटा में ही खेल रहा था, पर फाइनली ही हैज बीन इवॉल्व। आई लॉस्ट यू डिड एंड्रू, नाउ गेट लॉस्ट टीम मोर, आई एम कॉलिंग द पुलिस। डोंट कॉल द पुलिस, डोंट कॉल हिम ग्रंट, आई थिंक वी विल हैव टू एक्सेप्ट द किड डिफीटेड ऑल माय पोकेमोन्स, दे हैव नो पावर लेफ्ट, वी डोंट हैव टू एक्स्ट्रा पोकेमोन्स, लेट्स रन, वी विल वॉक कैच देम लेटर व्हेन दे कम आउट। हां हां बाय रूटिंग आर डूइंग समथिंग इट अ हाइपर बीम, देन डू इट, अटैक टीम मोर। नो नो नॉट हाइपर बीम, नो। तो गाइजर हाइपर बीम से दोस्तों यहाँ पर दोनों भी भाग चुके हैं। हाँ दे ब्लास्टेड ऑफ बिफोर आई वाज एबल टू कॉल द पुलिस, दैट्स बैड, आई नो दे विल क्रिएट द। ओके तो कैलम कुछ बोल नहीं रहा है, कैलम बोल द ट्रबल्स इन फ्यूचर एज वेल, वी विल हैव टू टेक द लेजेंडरीज आउट, हाँ इट लुक्स लाइक दे लाइक थ्रू एंट्री ना कैलम, सीम्स लाइक दे वांट टू बैटल यू टू एंड कॉट, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट वे टू टेक देम आउट सेफली थ्रू, I told you to catch them. They will be safe. You do, Drew. You can trust. You can use that master ball. Given by professor. I hope you will be able to do it. But your Pokemon are weak. Drew, let me heal them. Okay, हमारे पुनील के लिए कर दी कैलम ने. So, which one do you want to battle? I will battle other one. Okay, हम ले रहे हैं दोस्तों Aerotier को. Yes. यहाँ पर गेम का नाम Aero है, तो हम ले रहे हैं Aerotier को. तो गाइडिया शुरू करते हैं यहाँ पर Aerotier को पकड़ने के लिए, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास मास्टर बॉल पहले से पड़ा है एंड इस बार मैंने कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पर मुझे प्रोफेसर ने खुद दिया है ये मास्टर बॉल, तो आप बोलो मत कि मुझे नहीं किया इस बार मैंने चीटिंग की, मैंने मास्टर बॉल का मतलब कि चीट का इस्तेमाल किया, ऐसा बोलो मत, मैंने चीट का बस इस्तेमाल बंद कर दिया है दोस्तों, पर मतलब कि मास्टर बॉल का इस्तेमाल करता बट मैंने अभी वो बंद कर दिया है, अभी तो यार इस गेम में मिला इसलिए मैं कर रहा हूँ। दिस पोकेमॉन हैज स्लंबर्ड फॉर मेनी इयर्स, इट इज अ बिलीव दैट दिस पोकेमॉन कैन कंट्रोल पीपल्स माइंड। एंड गाइज यार मैं आपको कह रहा था कि मुझे एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन चाहिए एंड इस गेम में मुझे वो मिल भी गया, बट ये दिक्कत होने की बात है कि डिपॉजिट किसको करूं। थ्रू एडिट एंड कांग्रेस टू यू एज वेल फॉर डिफीटिंग इट, हां सो वी हैव टू कॉल द लेजेंडरीज, देन हाउ कैन वी हेल्प व्हेनेवर इट नीडेड, बट स्टिल टीम वॉर इज रोमिंग फ्रीली अराउंड द रीजन, वी स्टिल हैव टू फाइंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड हैंड देम ओवर टू द पुलिस, आई विल कॉल प्रोफेसर एंड मिस्टर मितो एंड टेल देम अबाउट एवरीथिंग आफ्टर रीचिंग रूबी हार्बर। Aren't you only forgetting something? Did you all remember that you all have advantages now? You can compete in the Pokemon League. Pokemon League. I totally forgot about that. So Drew, we all have advantages of Tekken. We can now compete in the Pokemon League as we have completed the main mission of catching the legendaries. It's accomplished. Let's now move on the Pokemon League before we go on the final team war. Best of luck. The Pokemon is at the best of city of the Vizag in the Deccan region. To reach Vizag, you will have to fly to Bangalore. Then head north towards the Lion City. From there, we will have to go east towards the Vizag via the Vicry Road. And another thing, there is a huge open land between Bangalore and Lion City where you can catch a battle a ton of wild Pokemon. That's great. So let's move forward towards the Bangalore. But wait, can we fly directly to Bangalore? Yeah. Good question. Let's not forget that. Yep. Got it. You can directly fly to Bangalore. You will have to fly Pantania and then fly to Bangalore. All right. Then let's move to Pokemon League. Get set. Go. I shall go now also. Hey, no. I think this river. The shortcut. Okay. तो चलो हम शॉर्टकट से चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर वो तो फ्लाई करके चले गए हैं। तो चलो गाइस यार यहाँ पर एक अच्छी चीज हो गई कि हमें जो है पोकेमोन्स मिल गए। तो गाइस यार मैं कब से कह रहा था मतलब कि मुझे पोकेमोन्स, ओके दो पोकेमोन्स हमारे पार्टी में आ चुके हैं, बट यार गाइस यार क्या करे, मुझे अपने एक पोकेमोन को डिपॉजिट करना होगा। अगर आपने सही गेस कर लिया हो अब तक तो गाइस यार आपको आगे वाले एपिसोड में पता ही चल जाएगा वो पोकेमोन कौन सा होने वाला है। होपफुली गाइस यार कल एपिसोड आ जाए
होपफुली कल मतलब कि थर्सडे को. सो गाइस यार आज की वाली वीडियो थर्सडे नहीं फ्राइडे को, क्योंकि मैं वेनसडे को शूट कर रहा हूँ. नहीं वेनसडे को नहीं थर्सडे को ही आएगा. सॉरी गाइस यार मतलब कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. सो गाइस यार आज की वाली वीडियो में इतना ही. मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड को जरूर पसंद आया हो. और गाइस यार पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए. अगर आप चैनल में भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड साथ ही साथ तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं मत भूलना. और मैं आपसे मिलता हूँ पोकेमॉन एरो के अगले एपिसोड में.